विराट कोहली के टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने के बाद हर कोई चौंक गया है। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी और मौजूदा खिलाड़ी जो इस दौरे का हिस्सा नहीं थे वो भी विराट कोहली के इस फैसले से हैरान हैं। लोगों के मन में कल तक कई तरह के सवाल चल रहे थे कि क्या विराट कोहली ने ये डिसीजन अचानक लिया था या टीममेट्स को इसकी कोई जानकारी दी थी। हालांकि अब दो दिन बाद इसकी तस्वीर कुछ साफ होती नजर आ रही है। विराट कोहली के इस फैसले पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 19 जनवरी से शुरू होने वाली ओडीआई सीरीज के लिए जब जसप्रीत बुमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए तो बुमराह ने विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनसी पर बोलते हुए कहा कि मैं यहाँ टेस्ट कप्तानी छोड़ने के विराट के फैसले पर कोई बयान देने नहीं आया हूँ, ये उनका निजी फैसला है, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं, उन्हें पता है कि उनका शरीर कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है और वो किस मूड में है। मेरे लिए विराट कोहली के नेतृत्व में खेलना बहुत खुशी की बात है। मैंने विराट कोहली की कप्तानी में टेस्ट में डेब्यू किया था, वो टीम में ऊर्जा लाते हैं और वो हमेशा समूह में एक लीडर रहेंगे और विराट कोहली का योगदान हमेशा ही बहुत बड़ा रहा है। जसप्रीत बुमराह ने यह भी बताया कि कोहली ने टीम मीटिंग में इसकी जानकारी दे दी थी। बुमराह ने कहा कि हम एक टीम यूनिट के रूप में काफ़ी करीब हैं और हमें टीम की बैठक में पता चल गया था कि वो टेस्ट की कप्तानी छोड़ रहे हैं, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व को महत्व देते हैं। एक लीडर के तौर पर विराट कोहली ने जो हासिल किया है हम उन्हें उसके लिए बधाई देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 19 जनवरी से शुरू हो रहे 3 ओडीआई मैचों की श्रृंखला के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय ओडीआई टीम का उपकप्तान बनाया गया है। ये पहली बार हुआ है जब जसप्रीत बुमराह उपकप्तान बने हैं। हालांकि टीम में आईपीएल के सफल कप्तान श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के रहते हुए भी जसप्रीत बुमराह को उपकप्तान बनाने का चयनकर्ताओं का फैसला पहले किसी को समझ नहीं आया था, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बुमराह को उनके अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। इसके अलावा बुमराह को उपकप्तान बनाना श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के लिए वार्निंग बेल भी है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में निरंतरता बनाए रखनी होगी। इन सब से अलग बुमराह को ओडीआई टीम का उपकप्तान बनाए जाने के बाद लोगों के मन में ये सवाल चल रहा है कि बुमराह भारत के कप्तान बन सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल के जवाब में हम आपको बताना चाहेंगे किसकी संभावना बहुत कम है। अफ्रीका सीरीज के लिए फिलहाल टीम के नए नियमित कप्तान रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन वेस्टइंडीज और श्रीलंका दौरे के लिए वो वापस आ जाएंगे। रोहित शर्मा अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रोहित शर्मा पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं। ऐसे में वेस्टइंडीज और श्रीलंका दौरे पर रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के फुल टाइम कप्तान होंगे और केएल राहुल भारतीय टीम के उपकप्तान बनेंगे। इसके अलावा फ्यूचर में भी बुमराह के रेगुलर कप्तान बनने की संभावना काफ़ी कम ही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी 28 साल के हैं और केएल राहुल 29 साल के। ऐसे में रोहित शर्मा के बाद केएल राहुल को ही बीसीसीआई बोर्ड कप्तान बनाएगा, क्योंकि केएल राहुल भारतीय टेस्ट टीम, टी20 और वनडे टीम में भारत की उपकप्तानी लंबे समय से कर रहे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए एक इंटरव्यू में बुमराह ने खुद को भारत की कप्तानी करने के लिए तैयार बताया है। बुमराह ने अभी तक किसी भी मैच में कप्तानी नहीं की है, यहां तक कि बुमराह को उनकी आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस में भी कप्तानी या फिर उपकप्तानी करने का मौका नहीं मिला है। इस समय मुंबई इंडियंस के उपकप्तान कैरन पोलार्ड है और रोहित शर्मा जब टीम में नहीं होते तो कैरन पोलार्ड ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं। फिलहाल मुंबई इंडियंस की टीम ने कैरन पोलार्ड को अपनी टीम के साथ रिटेन किया है। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के मुंबई इंडियंस के लिए उपकप्तान बनने की भी संभावना काफ़ी कम है। हालांकि बुमराह को अगर भारतीय टीम का कप्तान बनाया जाता है तो इससे नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुमराह के प्रदर्शन पर कोई भी सवाल नहीं है। साथ ही बुमराह एक इंटेलिजेंट प्लेयर है और उनका गेम सेंस भी कमाल का है। जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के साथ लंबे समय से आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस और अब भारतीय टीम में ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, जिससे साफ है कि बुमराह ने रोहित शर्मा से कप्तानी के गुण भी सीखे होंगे। आप किस मुद्दे पर क्या राय है? क्या बुमराह को भारतीय टीम की फुल टाइम कैप्टेंसी रोहित शर्मा के बाद मिलनी चाहिए या नहीं? इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्रिकेट की दुनिया जुड़ी और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद।